गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अल्लाह आपसे राजी हो हफ्सा खातून, आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। तन्हा कैसे छोड़ सकती थी इल्बिल्के खातून? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो यकीनन आप भी मेरा साथ देती। बाबा, वालिदा, वालिदा कुर्बान हो जाए तुम पर। खुश आमदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया मेरे भाई। इल्तकिन मंगोलों के पीछे गया था और उसकी कोई खबर नहीं मिली। दुंदार उसकी तलाश में है। गुंदोगदू ने कहा इस तरह कबीले को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो चला गया। अच्छा किया उन्होंने। मंगोलों ने सरदार के इंतखाब में दखल अंदाजी की और उन्होंने अपना मनपसंद सरदार मुंतखब करवा लिया, अर्तुगरुल सरदार। शुक्र है तुर्गुत भाई और गुंदोगदु भाई ने हमारी मदद की। तुम्हारे हाथ और कमर मजबूत है, आसानी से जमीन पर गिरा सकते हो अपने हरीफ को। शाबाश। इंतकाम की आग में जलती सिरमा ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भाई के कामों में उसने अपना हिस्सा डाल दिया। सब देखेंगे कि मैं क्या इंतजामात करती हूँ। मैं जायकेदार खानों से दस्तरखान ऐसा सजाऊंगी कि दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। आखिर शादी का जश्न मनाना है। कोई भी जंग शुरू करने से पहले आसाब की मजबूती जरूरी है। इस सब के बाद ही मैदान जंग में आपकी तलवार नतीजा हासिल करती है। मुझे फख्र महसूस हो रहा है। आज तक अपनी जिंदगी सुलेमान शाह की तरफ से विरासत में छोड़े हुए इस औताक की खिदमत करते हुए गुजारती। बहुत सारी खुशियां और बेशुमार गमों का शाहिद है ये औताक। ये सब हमारी आज तक की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। ये कबीला 400 खेमों पर मुश्तमिल था और अब चारों अतराफ फैल चुका है। सरदार कबीले का बोझ उठाता है तो खातून उसकी शाना बशाना खड़ी होती है। सरदार कबीले का वकार बढ़ाता है तो खातून मकाम बढ़ाती है। तुम्हें अपने तीर, तलवार और घोड़े को हर चीज से ज्यादा अहमियत देना होगी बेटा। इन्हीं की बदौलत मुआशरे में मकाम है हमारा। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। शुक्र है भाई, आपकी शादी की दावत में आकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपके दस्तरखान और घर में बरकतें अता फरमाए। आमीन मेरे भाई, आमीन। भाई, आपकी शादी में शरीक होकर दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। चलो देखते हैं बमसी क्या कहता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब एक हिरन जानता है कि घास कहाँ है, घास के मैदान कहाँ है। बकरा जानता है, ऊंट अलग अलग रास्तों के निशान जानता है, लोमड़ी 7 पहाड़ों की बू पहचानती है, और घोड़ा भारी और हल्के का फर्क समझता है, और मेरा भाई जानता है कि दर्द किसे कहते हैं। कब कहाँ किसे दर्द मिले कौन जानता है। और अब मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे गुलूकार को और शायर को। बहुत शुक्रिया भाई, कितने अजीम हैं। ये शायर इस बात को बखूबी जानता है। भाई, औताक में अशआर सुनने की इजाजत दीजिए। तमाम बदनजरों और हासिदों को अल्लाह तबाह करे। भाई, रियासत कायम रहे, हमेशा कायम व दायम रहे भाई। आमीन आमीन मेरे भाई, आमीन। बमसी ने तो अपने खूबसूरत जुमले अदा कर दिए। अब हम अजदाद की दास्तानें सुनना चाहेंगे। जी जरूर अर्तुगरुल सरदार। ओज अजदाद खुश हैं बहुत, क्योंकि आज फतह का दिन है। तुर्क खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि आज फतह का दिन है। कमान पर लगे ये 3 तीर हमारी फतह की निशानी है। आज हर कोई सरशार होगा, क्योंकि ये फतह का दिन है। शहीदों की कुर्बानियों का सिला मिल चुका है आज हमें। मसरूर हैं शहदा भी खुल्द में, क्योंकि ये फतह का दिन है। अपने अजदाद को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये ख्वाब उन्होंने देखा था, उनका ये ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि आज फतह का दिन है। वो दिन आ गया है और दुनिया जान चुकी है, जुल्म का खात्मा हो चुका है, क्योंकि आज फतह का दिन है। उफुक रोशन हो जाएगा और जमीन वसी हो जाएगी। आबोताब से रोशन है सूरज, क्योंकि ये फतह का दिन है। अभी और मुहिम्मात बाकी हैं, अभी और इंतकाम लेने हैं। शाद हैं हमारे ये मुजाहिद, क्योंकि आज फतह का दिन है। तुर्क बहादुरों, आओ चलें, फतह का परचम लहराते चलें, गद्दारों का खून बहाते चलें, क्योंकि आज फतह का दिन है। अपनी तलवार तेज कर लो उस्मान, हमें इस जंग में सरदार के बेटों की हैसियत से जौहर दिखाने हैं अपने। हम जंग पर जा रहे हैं क्या भाई? क्या देख रहे हैं आप लोग? पहले मैंने पकड़ी है। ये एक अजीम तलवार है उस्मान, इसे मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, अपनी तलवार लेकर जाए ना। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ उस्मान, इसीलिए ये तलवार मुझ पर ज्यादा जचेगी। ये तलवार मैंने मांगी थी सबसे पहले, इसी तलवार से मैंने बाबा को हराया था। इस पर सिर्फ मेरा हक है। इससे क्या होता है कि आपने इससे बाबा को हराया था? ये हम तीनों के बाबा की है। बाबा की तलवार पर हम तीनों का बराबर हक है। इसके 3 टुकड़े कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। आग में डालकर पिघला दूंगा, फिर भी नहीं दूंगा। तुम्हारे अज़्म की मजबूती ने फिर तुम्हें जितवा दिया। हाँ, तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? निकाह का वक्त हो रहा है बेटा। दादी, हम लोग तैयार हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा कल रवाना हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दुंदार चाचा रास्ते में हैं। दुंदार चाचा आ रहे हैं? हाँ हाँ, दुंदार आ रहा है बेटा, तवील अरसे के बाद आ रहा है। अपने चाचा के साथ तुम बहुत खुश रहोगे मेरे बच्चों। तुम लोगों को उसे देखकर बहुत खुशी होगी। वो बहुत ज्यादा प्यार करता है तुम लोगों से। चलो चलो, देर हो रही है, जल्दी करो। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। अल-अज़ीम अल-करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल क़य्यूम वतूबू इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व बिल क़द्रि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअतु बअदल मौत हक़्क़ुन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर की बेटी इल्बिल्के सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को अपने निकाह में कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। कबूल करती हो? करती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल उमर की बेटी इल्बिल्के को निकाह में कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। गवाहान, क्या आप इस निकाह के गवाह हैं? जी हाँ। जी हाँ, मैंने गवाहान और आप सब हाजरीन के सामने इस निकाह की तकमील की। अल्लाह ये निकाह मुबारक करे। आमीन, आमीन। बाबा, अभी तो आप वापस आए थे, कल फिर से क्यों जा रहे हैं? असलिहान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया, बेटा, अभी बहुत सारी जंगें हमारा इंतजार कर रही हैं और एक आदमी के फराइज का उसी दिन से आगाज हो जाता है जब उसके कान में अजान दी जाती है, और फराइज का खात्मा उसके जनाजे और कब्र में होता है। आप वापस कब आएंगे बाबा? मेरे आइबर्स, बेटा, मुमकिन है एक दिन, या हो सकता है एक साल। बेटा, यह भी हो सकता है कि मैं कभी वापस ना आऊं। मेरे बच्चों, हमने अपनी जिंदगियां इस मकसद के लिए वक्फ की हैं ताकि इंसाफ ला सकें, मासूमों को आजादी दिला सकें। मेरे बच्चों, ये सब कुछ आज के लिए नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कल के लिए है। अपने प्यारे बच्चों को आज हम इसलिए छोड़कर जाते हैं कि कल तुम फख्र से जी सको। बमसी, आप लौटकर आए या ना आए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी बीवी और बच्चे आप पर बहुत फख्र करते हैं। हम लोगों को आप पर और सिपाहियों पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया हफ्सा, बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को मुझ पर फख्र है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह, हाय मेरी फूल जैसी बेटी, मेरे दिल का सुकून। हाँ मेरा शेर बेटा, मेरा बहादुर बेटा, मुझे फख्र है तुम लोगों पर। बहुत शुक्रिया। बैठ क्यों नहीं रही इल्बिल्के खातून? मुझे बताएं क्या सोच रही हैं? आए बैठे। सऊद मुझे जिंदान जैसा लगने लगा था। मेरी जिंदगी पर हर तरफ गम के सिया बादल छा गए थे। शुक्र है अब सब दूर हो गए हैं। मुझे मेरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी आप ही ने दी है अर्तुगरुल सरदार। चाहे कितने ही मुश्किल हालात रहे हो, कबीले को संभाला आपने। अब जब कभी मुश्किल में पड़ूंगा मैं, मुझे यकीन है कि कबीले और औताक को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका खुलूस और साथ ताकत बनेगा मेरी, और यही ताकत मुझे और कामयाबियां देगी। मुकद्दर में अब जुदाई भी लिखी हुई है। मेरे लिए ये एक एजाज है कि मैं अब सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, बल्कि हक की इस जंग में आपके साथ बराबर की शरीक हूं। आज से आपका हर फर्ज मेरा भी फर्ज है। मेरा खानदान बिखर गया, औताक बर्बाद हो गया, बहुत सी परेशानियों ने घेर लिया था मुझे। रोशनी की कोई किरण, उम्मीद का कोई दिया बाकी नहीं रह गया था। लेकिन अल्लाह ने उस मुश्किल वक्त में मुझे अपनी रहमत और फजल से नवाजा। मुझे एक खानदान दिया, एक बाइज्जत औताक दिया। बाज़ औक़ात इंसान अपने अमल से आजमाया जाता है, अपने माल से, और बाज़ औक़ात प्यारों के जरिए। आप आजमाई गईं अपने अमाल से, अपने प्यारों के वजूद और उनकी मोहब्बत से, लेकिन कभी भी हक और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। इतने सालों बाद मेरी इस औताक को आज आप जैसी सादिक और बहादुर खातून नसीब हुई। अब रवाना होने का वक्त आ गया है इल्बिल्के खातून। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अर्तुगरुल सरदार, ये कबीला और औताक मेरी जिम्मेदारी है। काफी अरसे बाद जंग के महाज पर इत्मीनान के साथ जा रहा हूं। कबीले और औताक की फिक्र नहीं हो रही मुझे। मुझे भी अब अपने मुस्तकबिल की बिल्कुल फिक्र नहीं है अर्तुरुल सरदार। मुस्तकबिल में आप जैसे गाजियों की दास्तान लोगों को शान से सुनाई जाएगी, फुतुहात के जश्न मनाए जाएंगे। मैं जानती हूं कि आने वाली नस्लें आप पर फख्र करेंगी। सालों बाद भी लोग अपने किस्सों में आपकी जंगों का जिक्र किया करेंगे। आपकी कोशिशों का एतराफ दुनिया करेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे। फतह अल्लाह के इख्तियार में है। शायद पहुंच ना सके वहां पर और मुमकिन है वापसी ना हो हमारी। दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं तुम्हारे साथ हैं अर्तुरुल। तुम्हें प्यार से भेजती हूं मैं, वकार के साथ भेजती हूं। मेरे प्यारे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी जान और रूह हो तुम। वालिदा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। बाबा, अरे माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह। तुम लोग ताकत हो इस औताक की। अगर मिलकर साथ खड़े रहोगे तो औताक भी तुम्हारे इत्तेहाद की वजह से मजबूत होगा। उस्मान, औताक तुम्हारी अमानत में। मेरे शेरों आओ मेरे पास। सफर में कई जालिमों और गद्दारों को देखा। हम झुके नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन रास्ते अपनाए और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। अब हमारे सामने एक नया आसमान है और एक नया सूरज तुलू हो रहा है। आज का यह दिन महज तारीकी को ही रोशनी से अलग नहीं करेगा बल्कि एक नए निजाम और नए दौर की भी इब्तिदा करेगा। और अब वो वक्त आ गया है जिसके हम मुंतजिर थे। इसी दिन के लिए जिद्दोजहद की और कुर्बान किया अपनों को। हम रवाना हो रहे हैं, मुमकिन है वापस ना आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मददगार हो, अल्लाह मददगार हो, अल्लाह मददगार हो, अल्लाह मददगार हो। हमने अपने मकसद को न कभी फरामोश किया है और न कभी करेंगे। हमेशा की तरह मैदान में डटे रहेंगे क्योंकि तुर्कों का सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। वक्त आ गया है कि तलवारें अनातोलिया के मजलूमों के लिए बुलंद करें और इनकिलाबी फुतुहात का आगाज करें। अल्लाह अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू या मेरे अल्लाह, पहाड़ों को इनके लिए मैदान बना दे, ऐसे वापस लौटे कि खराश तक न लगे इन्हें। सबकी हिफाजत फरमा, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो अर्तुगरुल सरदार। मेरे दादा सुलेमान शाह की विरासत, मेरा आबा और अजदाद की मीरास, जालिमों के लिए खौफ की अलामत। ऐ हमारी बस्ती की बुनियाद तलवार, जालिमों के खात्मे तक तुम्हें न्याम में नहीं रखूंगा, कसम खाता हूं। ऐ हम पे और हमारे अजदाद पे साया करने वाले मुबारक परचम, मैं सारे जहां में तुम्हें लेकर जाऊंगा और फखर से लहराऊंगा, कसम खाता हूं। चूंकि कयामत सुगरा बपा है, जब तक दुनिया नए दौर में दाखिल नहीं हो जाती, मैं इस परचम को बुलंद रखने का फर्ज निभाऊंगा इंशाअल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, बिस्मिल्लाह। ऐ दुनिया को सितारों की ज़ूफ़शानी अता करने वाले मेरे रब, ऐ बादलों को रवा करने वाले, ऐ मुनज़्ज़म लश्करों को शिकस्त देने वाले, तू ही है जो सूरज को तारीकियों के पीछे से नमूदार करता है। आलम इस्लाम की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, इसे हुर्रियत की उम्मीद की ज़रूरत है। हमें उस हुर्रियत का वसीला बना दे मेरे रब, हमारे परचम को इस मुबारक मकसद का परचम बना दे। आलम इस्लाम को एक परचम तले मुत्तहिद करना नसीब फरमा, हमारे घोड़ों की टापों को हर जगह रसाई अता फरमा, इंसाफ के निफाज के लिए हमारी तलवारों की धारों को तेज फरमा, हमारे सरों पे चमकने वाला ये सूरज हमारी उम्मत के लिए नई सुबह की नवीद बनकर चमके। सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी हक और सच का रास्ता आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने सूरज को अपना परचम और आसमान को अपना खैमा बनाया। उन्होंने अपने घोड़े वसी मैदानों में दौड़ाए, वो अपनी तलवारों से प्यार करते थे, वो निज़ाम इलाही को समंदर पार बहुत सी जमीनों तक ले गए, और वो भी उस दौर में जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। वो दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत बन गए और उन्हें नेस्त नाबूद करते चले गए। इंसाफ और आजादी सबके लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم। ये दास्तान उन लोगों की है जिन्होंने फतह का ख्वाब देखा, हार माने बगैर जंगें लड़ते चले गए, मुकद्दस राह में मसाइब झेलते रहे। यह दास्तान हक की राह पर चलने वाली अगली नस्लों तक के लिए रहनुमा बन गई।